आज़ादी के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया, मगर आज़ादी कितनी मिली हमें, ये एक बड़ी बात है। आज़ादी सिर्फ इतनी मिली कि हमारा देश सिर्फ एक दिन के लिए आज़ाद हुआ, लेकिन कितने ऐसे लोग यहाँ पर मेरे पीछे मौजूद हैं जो कि परेशान हैं, लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं मिली है आम्रपाली से, जिन्होंने अपना पैसा लगाया लेकिन उसके बाद भी यहाँ भूख हड़ताल करने को मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा कितनी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज चौथा दिन है लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। सरकार से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन पहले घर तो दिलवाए, क्योंकि ईएमआई और रेंट का बोझ कब तक एक आम इंसान झेलेगा। उसके बाद भी कोई बात सुनने के लिए आए, जब तक बात नहीं सुनेंगे, जब तक घर नहीं मिलेगा, जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक हम यही रहेंगे। मोदी जी मन की बात कर रहे, घर की बात तो कर ही नहीं रहे। घर तो मिलने की उम्मीद नहीं है बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है वो हमें वापस मिले। हम लोग यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा सारा पैसा वापस नहीं मिल जाता। ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो अब समझ में आ रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ऊपर लेवल के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अब हमें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसीलिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रही है और ना ही यहाँ पे कोई मिलने आ रहा है हमें। आज पांचवा दिन है, तो ये लड़ाई कंटिन्यू रहेगी और बाकी प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल कोई नहीं आया। सो अभी ये और जो बाकी प्रोजेक्ट्स के बाहर हैं वो भी ऐड होते जा रहे हैं। अब ये एक मास प्रोटेस्ट का रूप लेगा और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे प्रॉब्लम को कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं जॉब करता हूँ, मैं सुबह घर से ये कह के निकलता हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं देखिए आज यहाँ बैठा हूँ, नहीं कोई नहीं सुन रहा। आज पांचवा दिन है लेकिन अभी तक कोई सलूशन या कोई मिलने तक नहीं आया। सलूशन तो बहुत दूर की बात है। सरकार से हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहली ये है कि अमरपाली के जो मालिक हैं अनिल शर्मा और जितने भी डायरेक्टर हैं उनको अरेस्ट किया जाए, जेल में डाला जाए, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर लेकर के सरकार बनवा के हमें चाहे घर दे या उसको नीलाम करके हमें पैसा दे। अभी फिलहाल नीलामी के रूल के अनुसार क्या होता है कि अगर नीलाम होता भी है तो पहले सरकारी अथॉरिटी एजेंसी बैंक उन सबको पैसा जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो बाहर को दिया जाएगा। हमारी डिमांड यह है कि सबसे ज़्यादा लूटे हुए इंसान यही है बायर, जिन्हें जिंदगी भर की कमाई यहाँ लगा दी है। अगर कोई ऑप्शन होता है तो सबसे पहला हक बायर का बनता है, जिसने पैसा दिया बायर का पैसा दिया जाए, उसके बाद सरकारी एजेंसी को पैसा दिया जाए। सरकार सुन नहीं रही, सरकार से रिक्वेस्ट तो यही कर रहे हैं अगर सुनना तो ये सुने, नहीं सुनेगी तो हम यहाँ धरना पर बैठे हैं जब तक हमारे जी जान है, जब तक बैठे हैं बिल्कुल नौकरी से छुट्टी लेके यहाँ बैठा हूँ। सेम सब कोई नौकरी से छुट्टी लेके आ रहे हैं, सारे लोग काम करने वाले लोग हैं, सब नॉर्मल लोग छुट्टी लेके आ रहे हैं। मैं भी नौकरी से छुट्टी लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आपका प्रदर्शन आगे उग्र रूप लेगा? एकदम बिल्कुल उग्र रूप लेगा, तब तक लेगा जब तक हमें अपने घर या हमारा हमें पैसा नहीं मिल जाता, तब तक लेगा। आपने किसी से गुहार लगा जब तक किसी सरकारी? सारे सब अथॉरिटी वगैरह सबके पास हम लोग जा चुके हैं, कोई एफआईआर तक नहीं लिखने को, एसएससीबी के पास गए उन्होंने एफआईआर तक लिखने से इनकार कर दिया। हर जगह जहां हो सकता है हम लोग वहां गए हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी ये बात है कि अगर सरकार का 4 करोड़ रुपए का लेबर सेस बाकी था, इनके डायरेक्टर को रातों रात उठा के जेल में डाल दिया, अगले दिन उन्होंने 5 करोड़ रुपए जमा करा दिया, उनको छूट दिया। हम यहाँ लाखों बाहर हैं जिनके हजारों करोड़ रुपए फंसे पड़े हैं, हम अगर एफआईआर लिखवाने जाते तो एफआईआर तक नहीं होती है। सरकार की क्या मजबूरी है जो उनको अरेस्ट नहीं कर रही है, एफआईआर नहीं लिख रही है? और हमारी बिल्कुल व्हाइट मनी होती है, हम लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, मैं टीसीएस में हूं, हमारी पैसे बिल्कुल व्हाइट मनी होती है, उसकी उसके सूद लेने वाला कोई नहीं है, पैसे फंसे पड़े हैं, 2010 की बुकिंग है और कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल हम लोग निराश हैं, पहले उम्मीद जगी थी कि चलो भाजपा की गवर्नमेंट आएगी, मोदी आएंगे, योगी आएंगे, कुछ करेंगे, बट अब वो भी अब निराशा में हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आश्वासन दिया गया कि वो अपनी जमीन बेचकर आपका पैसा देंगे। अमरपाली पिछले 7 साल से आश्वासन दे रहा है, क्या हुआ आज तक? कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, झूठ पे झूठ, और अमरपाली की तरफ से हमें कुछ भी नहीं हो रहा है।
इस आश्वासन को भी आप झूठ मानते हैं? बिल्कुल झूठ है। अगर इनकी नीयत सही होती तो अब तक अपनी प्रॉपर्टी बेच के कुछ भी करके कोई एक टावर तो देते, किसी भी टावर पैसे नहीं दे रहे हैं। पिछले डेढ़ दो साल से सब टावरों में काम बंद पड़ गया। अनिल शर्मा ने जिस तरह से अपना पासपोर्ट जमा किया वो भी एक तरह का पासपोर्ट जमा कराने के बजाय अपनी प्रॉपर्टी बेच के और अथॉरिटी का क्लियर करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, किसी टावर का परिसर दे देते हैं, हम विश्वास कर लेंगे। टावर का दे दे, थोड़ी हटाइए पूरा। हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, हम लाखों बायर्स ने पूरा पैसा दे दिया है और इसने ना तो बिल्डिंगें कंप्लीट करी है, ना ही अथॉरिटी का पैसा दिया है, ना ही जो लोग यहाँ काम करते हैं उनका पैसा दिया। इसका पैसा कहाँ गया? सरकार इसके खातों की जांच करवाए और ये देखें कि कितना पैसा हमने दिया है, कितना पैसा ने कहाँ का लगाया। मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मन की बात छोड़िए, अब यहाँ घर की बात करिए। आपका जो सपना 22 में सपना घर वो नहीं होगा, जब तक 22 मिडिल क्लास बाहर हम लोग पीस रहे हैं। केवल कहने से कुछ नहीं हुआ, करने से होगा। और करने में सिर्फ बातों के राजा हो रहे हैं आजकल। उनके बात की बातों में चल रहा है, जमीन धरातल पे कुछ भी उनका होते हुए मैं नहीं देख पा रहा। अनिल शर्मा से क्या कहना चाहूंगा? अनिल शर्मा से, भैया मेरा घर दिलाओ, घर नहीं दे सकते तो हमारा मेरा पैसा दो और मुआवजे के साथ पैसे दो। और हमारी जो मानसिक प्रचंडा हो रही है, जो हम छुट्टी लेके आ रहे हैं, ये इंटरेस्ट नहीं चाहिए। मैंने सर 2009 में ड्रीम वैली में फ्लैट बुक करवाया था। अनिल शर्मा ने 40-50 हजार अमरपाली दे वायर दे साथ पैसा वायर दे पैसा मिस यूज में अपने यूज में लिया है। अनिल शर्मा ने हमारे साथ रोड पे ला दिए है, तो दसा दिया है। मैं सर्विस करता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर हाँ जी छोड़ कर सर्विस छोड़ दे सर। जिंदगी भर कोई बीजेपी का नहीं आया सर। यहाँ पर ये हालत हो रही है कि अब अगर कोई हमारी नहीं सुनेगा तो हम आत्महत्या करने तक के लिए तैयार हैं। यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है हमें। अभी कहाँ से हम ईएमआई भरें, कहाँ से बच्चों के फीस भरें, कब तक किराया दें, मतलब कब तक रेंट देते हैं, हम कहाँ से करें? थोड़ी इतनी ज्यादा कमाई हमारी है नहीं, सब मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई दो नंबर का पैसा हमारे पास है नहीं, कहाँ से भरे हम इतना पैसा? सर पाली ने जो आश्वासन दिया वो झूठा है, पहले कई बार आश्वासन दे चुका है, हर बार कुछ भी नहीं हुआ उसके आश्वासन से। उनका कहना है कि अपनी जमीन बेच कर पैसा देंगे। सर भाई साहब आम्रपाली कह रहे हैं कि हम जमीन बेच के पैसा देंगे, वो जमीन है ही नहीं उनकी, वो तो नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की है जिसका पैसे उन्होंने नहीं दिए। किसानों की है, किसानों की है जिनके पैसे नहीं दिए। शमशान घाट की कब्रिस्तान की जमीन है। ये हमेशा हमें एक जुमला बता के कर देते। मैं भी रिटायर्ड आदमी हूँ, सारी जमीन जो गवर्नमेंट ने मुझे आखिर में पैसा दिया था यहाँ लगा दिया, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या करूँ? इसमें दोबारा पैसा कमा नहीं सकता, रेंट दिए चले जा रहा हूँ, मेरा सारा पैसा सफ़ेद पैसा है। जब हमसे ये आश्वासन लिया जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म करो, तो सबके लिए भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, हमारे ऊपर तो अत्याचार नहीं खत्म हो रहा। सरकार से आपका कहना चाहिए? सरकार आए इसमें और आगे आके पहल करे। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, गाजियाबाद, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, अनिल शर्मा और थानेदार, इन सबको एक्शन में लाए। इनकी जितनी ज़मीनें बची हुई हैं या जितने बचे हैं उनको कुर्क करे और हमारा पैसा दिलाए या मकान दिलाए। और हम भाई साहब हमें क्या चाहिए? जिस तरह से अखिलेश सरकार गई, योगी सरकार है, इनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन क्या योगी सरकार विफल हो गई? भाई साहब इस समय तो हम सरकार का क्या बोले, हम तो पॉलिटिशियन आदमी है नहीं। अब अभी तो ये लग रहा है कि सभी फेल हैं और हम एक समुंदर में अकेली नाव में बैठे हुए हैं जिसमें ना पतवार है ना कुछ है, बस लहर में इधर से उधर झुक। अनिल शर्मा से हम कहना चाहेंगे कि भाई साहब हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं, हमारे पैसे हमें वापस कर दें या हमको मकान दें। रोज रोज की ये जुमलेबाजी जो पूरे हिंदुस्तान में एक बीमारी की तरह से फैल गई और जुमला हमारे ऊपर न डाले। बिल्कुल सब इतना हो गया। बिल्कुल, तो जैसा देखा आपने, लोग यहाँ पर आत्महत्या को उतारू हो चुके हैं, लोग अपनी जान देने तक की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर कोई नेता क्यों अब तक इनसे मिलने नहीं आया? योगी सरकार के ना ही नोएडा के विधायक पंकज सिंह अब तक यहाँ पर आए, आज पांचवा दिन है यहाँ पर इनकी भूख हड़ताल का, लेकिन उसके बाद भी अब तक इनसे कोई मिलने नहीं आया। और आगे चलकर इनकी अगर कोई कदम पर कोई गलत कदम उठाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर इनकी तरफ से कोई गलत कदम उठा लिया जाता है या खुदा ना खास्ता कुछ बुरा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एनटी मीडिया के लिए कश्मीर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।